खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मायावती के मुख्यमंत्री रहते यूपी में बनी उनकी और हाथियों की मूर्ति का यह मामला है, जहां सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका मायावती को लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहली नजर में हमें ऐसा लगता है कि सीएम रहते जो मूर्तियां मायावती ने बनवाई उसका पैसा सरकारी खजाने में उन्हें लौटाना चाहिए। एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल का रुख करेंगे इसी खबर पर। निपुण, पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बताइए। देखिए, 2009 से ये मामला लंबित है, उस समय मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी और तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर उनको कड़ी फटकार लगाई थी, जो कुछ भी वहां पर चल रहा था। लेकिन बाद में ये मामला लंबित रह गया और लंबे अरसे से इस पर सुनवाई नहीं हुई थी। आज जब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सामने ये मामला आया तो उन्होंने फाइल को देखने के बाद कहा, जिसमें कि पुराने फैसलों की जो पुराने आदेश थे उनकी नोटिंग्स भी थी, उन्होंने कहा कि पहली नजर में हमारा मत यही है कि मायावती को ये सारा पैसा लौटाना चाहिए जो स्मारकों को बनाने में खर्च हुआ। हालांकि हम इस पर अंतिम सुनवाई 2 अप्रैल को करेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का पहली नजर में ये मत है, हालांकि सुनवाई आगे अभी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए निपुण, बताते हुए कि 2 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी अंतिम, लेकिन इस बीच प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने मायावती को पैसा लौटाने के लिए